नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के खास खबर पर। इस समय हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका प्रभाग समिति अचल तालाब है उसके सामने लेक व्यू बिल्डिंग के पास। यहाँ बिल्डिंग की गटर की हालत हम आपको खाली दिखा रहे हैं। वसई विरार महानगर पालिका का आरोग्य विभाग क्या कर रहा है उसकी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ कितने मच्छर अभी इस समय पनप रहे हैं और तब कितनी बार दवाई डाली गई रहेगी, नहीं डाली गई रहेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो। भी गटर है, इसको कहीं पे भी घेर सको, इसको ढक्कन नहीं है। आप ये पूरी गटर देख सकते हैं, इसको ढक्कन नहीं है। मच्छर हम आपको दिखाए। यहाँ आज एक मामला शुरू है, उसको लेकर हम जब रिपोर्टिंग करने आए तो हमें लगा कि इसके ऊपर भी महानगर पालिका प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए। हालांकि महानगर पालिका सहायक आयुक्त यहाँ है, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन ये मामला मेडिकल, सॉरी माफ कीजिएगा, ये मामला आरोग्य विभाग का है। तो आरोग्य विभाग जो ये दावा करता है कि शहर में करोड़ों करोड़ों रुपए की दवाई छिड़काव की जाती है, उसको हम आईना दिखाने के लिए खबर बना रहे हैं कि अगर करोड़ों रुपए की यहाँ दवाई छिड़काव की जाती है तो ये मच्छर, और ये आपने एक ढक्कन देखा, ये एक ढक्कन देखा, ढक्कन एक्चुअली यहाँ ढक्कन के लिए जगह छोड़ी गई लेकिन ढक्कन लगाया नहीं गया है, इसके आगे बढ़ेंगे तो अब हम इस गटर पे नहीं जा रहे कि ये गटर महानगर पालिका ने बनाई कि सोसाइटी ने बनाई है। ढक्कन सोसाइटी को बनाना चाहिए था या महानगर पालिका को बनाना चाहिए था, हम इस पर नहीं जा रहे हैं। अगर सोसाइटी ने भी ये ढक्कन नहीं बनाया तो महानगर पालिका का क्या जिम्मा नहीं है कि वो उनको पाबंद करे। तो ये यहाँ ये हालत है। दूसरा ढक्कन आप देख सकते हैं, ढक्कन नहीं है, सिर्फ खुली गटर है और किस तरह से मच्छर है, यहाँ गंदगी पसरी हुई है वो तो आप देख ही पा रहे हैं। अब यहाँ लोगों के जीव का धोखा हो सकता है कि नहीं, इतनी इतनी बातें की जाती है कि मच्छर की वजह से मलेरिया, डेंगू, डायरिया, कई तरह की बीमारियां फैलती है। मच्छर को पनपने से रोका जाए, मच्छर को पनपने से रोका जाए, लेकिन ये हालत है। और एक और सबसे बड़ा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये गटर है, जो गटर पूरी फुल लबालब भरी हुई है। ये लबालब भरी हुई क्यों है, क्योंकि वसई विरार अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से ये गटर आगे जाके वहां से खुली खुदा वो जा रही है, यही पानी कल को तालाब में भी जाएगा और तालाब से वही पानी लोगों के घरों तक भी जाएगा, वितरित किया जाएगा पीने के पानी में, पेयजल में। तो काफी यहाँ से एक तरफ मच्छर पनपने से जो बीमारी पैदा होती है वो, और दूसरी पानी की वजह से जो बीमारी पैदा होती है वो, दोनों ही चीज इसमें शामिल होगी। ये हमारा वसई विरार का हालत। आपको एक खबर कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर को जितना हो सके शेयर करें ताकि महानगर पालिका के आला अधिकारियों को इस खबर के बारे में जानकारी हो सके, उनको ये उनकी आंख खुले। जहाँ वहाँ महानगर पालिका मुख्यालय में वैद्यकीय आरोग्य विभाग के सहायक आयुक्त जो बैठे हैं उनको मालूम पड़े कि फील्ड पर क्या होता है। एक बार जब हमने सहायक आयुक्त से बात की थी मच्छरों के बारे में तो उन्होंने ये जवाब दिया था, हमें आज भी याद है, वो बोलते हैं कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पीछे गटर है और वहाँ मच्छर नहीं है। हमने फोन पर उनसे सवाल किया था कि सर शायद आप सहायक आयुक्त हो, मच्छरों को आपसे डर लगता होगा कि कहीं आप उनके ऊपर दवाई छिड़काव नहीं कर दो, इसके लिए आपको या तो आपसे प्रेम होगा, लेकिन जनता से वो मच्छरों का प्रेम नहीं है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।